नमस्कार, आज हम लहसुन टमाटर की चटपटी चटनी बनाएंगे। अगर आप सब्जी नहीं बनाए हैं और आपको दाल चावल के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप यह लहसुन टमाटर की चटनी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि यह चटनी सब्जी का काम करेगा। इससे जो खाने का स्वाद है वो और बढ़ जाता है और यह चटनी बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कम समय में आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए चटनी बनाना हम शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 बड़े साइज का टमाटर लिए हैं और थोड़े से लहसुन की कलियाँ, ये लगभग 20 से 25 कलियाँ हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर को काटेंगे। टमाटर को हम प्लेट से बाहर निकाल कर रखेंगे। अब टमाटर को हम चाकू से छोटे छोटे पीस में काटेंगे। अगर आप यह लहसुन टमाटर की चटनी बना रहे हैं तो इस तरह से पके लाल टमाटर लें, क्योंकि पके टमाटर रहेंगे तो चटनी अच्छा बनेगा और इसे चटनी का कलर भी अच्छा आएगा। चारों टमाटर हमने काट लिया है, अब इसे हम जार में डालकर पीसेंगे। तो पहले पूरे टमाटर को हम जार में डालेंगे, अब इसी में हम लहसुन को भी डालेंगे और इसी में हम 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसको हमने पहले से छोटे छोटे पीस में काट लिया है, अब इसे हम बिना पानी के पीस लेते हैं। टमाटर को हमने इस तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। चटनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे। ये सरसों का तेल है तो पहले हम तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। जीरा भून गया है, अब इसमें हम 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक को हम जीरा में मिलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरे रंग में ना हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक सुनहरे रंग में भून गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अदरक और जीरा में मिला लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पीसा हुआ टमाटर, यानी कि जो हमने लहसुन टमाटर पीसा है उसको डालेंगे। टमाटर को हम इसी में मिला लेते हैं। यहाँ पर जार में जो थोड़े टमाटर लगे हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम लगभग 1/4 कप पानी डालकर निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी डालकर लहसुन और टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है। पानी भी टमाटर में मिला लेते हैं। अब इसी में 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और लगभग 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब टमाटर को हम बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर पकाएंगे, जिससे चटनी जो है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि चटनी पके रहेंगे तभी खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। जिस तरह हम सब्जी के लिए मसाले को पकाते हैं उसी तरह हमें इसे भी पकाना है, लेकिन हमें इसे बहुत सूखा नहीं करना है, क्योंकि चटनी थोड़ा गीला रहेगा तभी रोटी पराठे के साथ खाने में अच्छा लगेगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इसी तरह बराबर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे जो इसमें हमने पानी डाला है वो पककर सूख जाए और चटनी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब चटनी अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं चटनी पकने के बाद थोड़ा सूखा हो गया है। अब चटनी के लिए हम तड़का बनाएंगे। तो अब कढ़ाई को हम गैस से साइड में रखेंगे और इस पर हम तड़का पैन रखेंगे। तड़का पैन में हम 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे। पहले तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई। राई को हम अच्छे से चटकने तक भूनेंगे। जब राई का चटकना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए राई भून गया है। राई अच्छे से चटक गए हैं, अब इसी में थोड़े से कटे हुए लहसुन डालेंगे। लहसुन भी हल्का भून गया है, अब इसमें हम थोड़े से करी पत्ता डालेंगे और गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि करी पत्ता जल्दी से भून जाते हैं। अब ये तड़का बनकर तैयार है, तो अब इसे हम चटनी में डालकर मिलाएंगे। तड़का हम चटनी में अच्छे से मिला लेते हैं। ये लहसुन और टमाटर की चटनी बनकर हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चटनी हमारा बना है। जब आपको सब्जी में कुछ न समझ में आए तो आप यह चटपटी चटनी बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं। यह चटनी दाल चावल रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
चटनी तो आप बहुत बनाकर खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से लहसुन टमाटर की चटनी नहीं बनाए होंगे तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं, क्योंकि यह चटनी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।